हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूनम। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम एकदम आसान तरीके से रेस्टोरेंट एंड ढाबा स्टाइल पनीर की सब्जी बनाएंगे। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप रेस्टोरेंट का टेस्ट भी भूल जाएंगे। तो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाना शुरू करते हैं रेस्टोरेंट एंड ढाबा स्टाइल पनीर की सब्जी। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून मूंगफली का तेल डालेंगे। तेल गरम हो रहा है तभी हम इसमें खड़ा मसाला डाल देंगे। एक तेज पत्ता इसे तोड़ के डाल देंगे। 3 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1/2 चक्री फूल। खड़ा मसाला को लाइटली भून लेते हैं। इसे 1 मिनट के लिए भून लिया है। 1/2 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून जीरा, इसे भी लाइटली भून लेते हैं। 10 कली लहसुन की है, ये डाल देंगे। 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का लिया है, इसे चॉप करके डालेंगे। अदरक लहसुन को मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है। 2 बड़ी साइज का टमाटर बारीक काट के लिया है। 1/4 कप काजू का पीस, काजू का टुकड़ा। टमाटर सॉफ्ट हो जाए तब तक इसे कुक कर लेते हैं। 3 कश्मीरी लाल मिर्ची का बीज निकाल के टुकड़ा किया है, ये डाल देंगे। अगर आपके पास साबुत कश्मीरी लाल मिर्ची नहीं है तो आप 1 से 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून किचन किंग मसाला, 1/4 टीस्पून पंजाबी गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चीनी। मेरे पास मेलन सीड्स का पाउडर है। मेलन में से मेलन सीड्स कैसे निकालना है और इसका पाउडर किस तरह से बनाना है, इसका वीडियो मेरे चैनल पे है और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये पाउडर हम 2 टेबलस्पून डालेंगे। अगर आपके पास ये मेलन सीड्स का पाउडर नहीं है तो आप मेलन सीड्स, मगज तरी सीड्स 2 टेबलस्पून डाल दीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी ये सीजन में खरबूजा बहुत मिलता है तो खरबूजा हम हमारे घर में लाते हैं, तो इसका सीड्स हम निकाल के इस तरह से पाउडर बना के रखेंगे तो सब्जी बनाने में बहुत ही काम आता है। मसाला 2 मिनट के लिए मैंने भून लिया है। 1 से 1.25 कप एकदम तेज गरम पानी डालेंगे। ढक्कन लगा के इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक कर लेते हैं। पानी हमने डाला था ये सूख गया है और तेल भी सेपरेट हो गया है। बीच में मैंने 2 से 3 बार इसे चला लिया था। मसाला अच्छे से कुक हो गया है, गैस ऑफ कर देंगे। मैंने इसे डिश में निकाल दिया है। ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब तक इसे ठंडा करेंगे और फिर मिक्सर जार में डाल के 1/2 कप पानी डाल के इसे एकदम स्मूथ ग्राइंड कर लेते हैं। यही कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डालेंगे। 2 पिंच नमक डाल के तेल को एकदम धुआं निकले तब तक गरम कर लेते हैं ताकि सरसों के तेल का फ्लेवर जो है वो निकल जाए। तेल को एकदम धुआं निकले तब तक मैंने गरम किया है। थोड़ी देर के लिए गैस ऑफ कर देंगे और तेल को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। 1 टीस्पून जीरा, जीरा को लाइट ब्राउन होने तक भून लेते हैं। जीरा लाइट ब्राउन हो गया है। 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक काट के लिया है। मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के प्याज को लाइट ब्राउन होने तक भून लेते हैं। प्याज लाइट ब्राउन हो गया है। 2 हरी मिर्च एकदम कम तीखी वाली ली है बारीक काट के। यहाँ पे हमें एकदम कम तीखी वाली हरी मिर्च ही डालना है, नहीं तो सब्जी जो है वो बहुत ज्यादा तीखी बन जाएगी। 2 टीस्पून सेजवान सॉस डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। 1 मीडियम साइज का टमाटर बारीक काट के लिया है। 2 टेबलस्पून हरा धनिया डालेंगे। टमाटर को मीडियम फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लिया है और ये थोड़ा सॉफ्ट भी हो गया है। 1 आधी पीली वाली शिमला मिर्च और 1 मीडियम साइज की हरी शिमला मिर्च ली है, इसका मैंने पतला और लंबा पीस किया है, ये डाल देंगे। अगर आपके पास तीनों कलर की शिमला मिर्च है, लाल, पीली और हरी, तो आप तीनों शिमला मिर्च डाल सकते हैं और अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ हरी शिमला मिर्च डाल सकते हैं। 1 से 1.5 मिनट के लिए शिमला मिर्च को कुक करेंगे, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करनी है। शुरू में हमने मसाला भुना था टमाटर के साथ, इसकी मैंने पेस्ट बनाई है, ये डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ग्रेवी को 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर कुक कर दिया है। मिक्सर जार में 1 कप तेज गरम पानी डाल के लिया है, ये डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले डाल देंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर,
आधे टीस्पून गरम मसाला पाउडर, पंजाबी गरम मसाला पाउडर। पंजाबी गरम मसाला पाउडर की रेसिपी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। आधे टीस्पून किचन किंग मसाला पाउडर, किचन किंग मसाला की रेसिपी उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आधे टीस्पून चाट मसाला, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आधा टमाटर बारीक काट के लिया है। अभी जो हम कच्चा टमाटर डाल रहे हैं उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। एक टेबलस्पून कसूरी मेथी, अच्छे से मिक्स कर देंगे। ढक्कन लगा के धीमी आंच पे ग्रेवी को कुक करेंगे। ग्रेवी को 6 से 7 मिनट अच्छे से कुक कर दिया है। आधा कप एकदम तेज गर्म पानी डालेंगे। 300 ग्राम पनीर को 1 टेबलस्पून तेल फ्राई पैन में डाल के इसे थोड़ा सा सैलो फ्राई कर दिया है। इस तरह से सिर्फ हमें 2 मिनट के लिए ही इसे सैलो फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा पनीर को कुक नहीं करना है, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगा। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। 1 टेबलस्पून हॉट एंड स्वीट टमेटो केचप डालेंगे। 2 टेबलस्पून क्रीम या मलाई डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। 1/4 कप खोया डालेंगे कद्दूकस करके। अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप पनीर भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं, लेकिन खोया डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। 1 कप एकदम तेज गर्म पानी डालेंगे। रेस्टोरेंट में इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये लोग सब्जी को कुक करते हैं, तभी सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। एक साथ में पानी डाल के कुक नहीं करना है। ढक्कन लगा के लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। तेल अच्छे से सेपरेट हो जाए तब तक मैंने इसे कुक किया है, और बीच बीच में 1 से 2 बार चला लिया था मैंने। इसे चलाना जरूरी है, नहीं तो ग्रेवी जो है वो तले में लग सकती है। मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा है तो मैं 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। आप पहले टेस्ट कर लें फिर बाद में नमक डालें। 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया डालेंगे। हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर की सब्जी रेडी है। गैस ऑफ कर देंगे। इसे आप रोटी, पराठा, पूरी, नान या तंदूरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये जीरा राइस और प्लेन राइस के साथ में भी बहुत ही टेस्टी लगेगी। ढाबा एंड रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर की सब्जी रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बनी है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।